अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है। अभी जो मैं आपको टॉपिक सिखाने वाला हूँ वो है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की हमने हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस करनी है इन डिफरेंट कंपाउंड्स, स्पेशली इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब जो ऑक्सीजन है हाइब्रिडाइजेशन शो करता है वो शो करता है sp3 की और sp2, ये दो हाइब्रिडाइजेशन जो है वो ऑक्सीजन फॉलो करता है यूजुअली। ये मतलब आप जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड देखेंगे उनमें आप सबको जो है वो ज्यादा से ज्यादा जो हाइब्रिडाइजेशन का ऑक्सीजन की शो होगी दैट विल बी sp3 एंड sp2। अब sp3 की हम एक एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास है CH3OH, ठीक है। इस कंपाउंड का नेम है मेथानोल और हम इसको जो है वो मिथाइल अल्कोहल भी कहते हैं। अब इस मॉलिक्यूल में हमने ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट जो है वो डिस्कस करनी है, तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन का जो है वो एटमी नंबर होता है 8, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2, 2s2, 2px1, 2by1 और 2bz1 और 2px2 होती है, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन ना, तो देखे 2, 4, 6 और 8। अब यहां पे हम देख रहे हैं कि जो कार्बन के जो एटम हैं, जो मतलब बॉन्ड बनाने में हिस्सा ले रहे हैं, वो ये वाला वैलेंस शेल इसका हिस्सा लेगा, लेकिन इस वैलेंस शेल में हमारे पास जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल है वो एक 2py है और एक 2pz है। अगर हम इसकी हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं, कि अगर हम ऑक्सीजन को फॉलो करवाते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाला प्रोसेस, तो ये सारे के सारे ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होंगे और इस तरह से sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना देंगे। इन sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में अब इसकी शेप जो है वो कुछ इस तरह से होगी, ऑक्सीजन सेंटर में होगा ये और ये, अब ठीक है, इस तरह से सिंपल पैटर्न में शेप होगी। लेकिन हम इसको जो है वो जरा टेट्राहेड्रल पैटर्न में जो है शो करते हैं, वो ये सिंपल पैटर्न मैंने दिखाई, अब टेट्राहेड्रल पैटर्न में आप देखें ये कुछ इस तरह से जो है वो शो होगी, क्योंकि जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है मोमेंट टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर देती है। अच्छा, ये ऑक्सीजन का जो है, अब देखिए 2, 4, 6 और 2, 4, 5 और 6 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में और उनमें से 2 अनपेयर्ड है। अब 2 अनपेयर्ड जहां मर्जी आप इंडिकेट कर सकते हैं, एक मैंने यहां कर दिया और एक मैंने यहां कर दिया। जब ये 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन शो कर दिए तो बाकी हमारे पास जो बचते हैं वो 4 बचते हैं और 4 के जो है ये 2 क्या बन जाएंगे हमारे पास लोन पेयर। तो इसका मतलब ये है कि जब ऑक्सीजन sp3 हाइब्रिडाइजेशन फॉलो करता है तो इसके पास कितने लोन पेयर होते हैं, 2 होते हैं। तकरीबन सारे मॉलिक्यूल जितने भी ऑक्सीजन के ना उसमें इसके पास ये 2 लोन पेयर रहते ही हैं। अब हम बात कर रहे हैं दूसरी तरफ जो है वो हमारे पास है कार्बन, हर कार्बन जो है वो हर 3 हाइड्रोजन एटम के साथ जुड़ा, और इधर से ऑक्सीजन और इधर से हाइड्रोजन। तो यहां पे अगर हम एक ऑर्बिटल लगा देते हैं कि ये हमारे पास आ जाता है हाइड्रोजन का, तो यहां पे अब कार्बन भी जो है ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है, तो कार्बन के भी ऑर्बिटल इस तरह से जो है वो ओवरलैप करेंगे और आगे हर कार्बन जो है वो 3-3 हाइड्रोजन के साथ इस तरह से जो है वो ओवरलैपिंग करके शो करता है। अब यहां पर ऑक्सीजन और इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 और sp3 है, तो इन दोनों के दरमियान जो ओवरलैपिंग होगी वो भी ओवरलैपिंग होगी sp3 ओवरलैपिंग। यहां पर ऑक्सीजन तो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, जबकि यहां पर हाइड्रोजन जो है वो s है, तो यहां पर इनकी ओवरलैपिंग होगी sp3s ओवरलैपिंग। इस तरीके से जो है वो ऑक्सीजन sp3 हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस को फॉलो करता है। अब हम देखते हैं कि ऑक्सीजन किस तरीके से sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो यानी कि sp2 प्रोसेस फॉलो करता है। ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2, 2s2, 2px2, 2py1 और 2bz1। जब sp2 करेगा तो ये वाले ऑर्बिटल हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे, यानी कि ये वाले जो है 1s और 2p, तो ये बन जाएगा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, जबकि 2pz जो है ये रह जाएगा अनहाइब्रिड।
अब यहाँ पर जब sp2 फॉलो होता है ना प्रोसेस, देखिए कार्बन करे sp2 तो वो डबल बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन शो करे sp2 तो वो डबल बॉन्ड बनाता है, इसी तरीके से अगर ऑक्सीजन शो कर रहा है sp2 हाइब्रिडाइजेशन तो डेफिनेटली इट विल मेक अ डबल बॉन्ड, तो ये भी एक डबल बॉन्ड बनाएगा। तो उसकी मिसाल जो है वो हमारे पास ये कार्बोनिल कंपाउंड में हमारे पास हम पहला ले लेते हैं मैथानल। अब इसमें जो ये वाला कार्बन है ये भी sp2 हाइब्रिड है, ये वाला कार्बन है ये भी sp2 हाइब्रिड है। कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन वाला टॉपिक मैंने अपलोड किया है, वो आप वहां से देख लीजिएगा, यहाँ हम सिर्फ ऑक्सीजन की बात करते हैं। देखिए हर कार्बन एटम और हर ऑक्सीजन एटम एक दूसरे के साथ एक एक बॉन्ड जो है वो हेड टू हेड ओवरलैपिंग के जरिए बना लेगा, ठीक है। अब हर कार्बन एटम एक एक जो है वो हाइड्रोजन के साथ इस तरह हेड टू हेड ओवरलैपिंग शो करेगा, कार्बन के पास और इधर ऑक्सीजन के पास भी, ये दो इसके लोन पेयर, लोन पेयर इसके होने ही होने हैं, ठीक है। जो भी मॉलिक्यूल है चाहे वो sp3 फॉलो करे ऑक्सीजन या sp2 फॉलो करे, दो ही प्रोसेस फॉलो करता है तो लोन पेयर होने ही होने हैं। अब कार्बन का ये वाला है ये भी 2pg है, इधर से ऑक्सीजन का भी 2pg ऑर्बिटल है, ये आपस में साइड वे यानी कि पैरेलल तरीके से ओवरलैपिंग करेंगे और बनाएंगे पाई बॉन्ड। तो यहां पर जब ये साइड वे तरीके से ओवरलैपिंग करते हैं तो ये क्या करते हैं, यहां पर इस तरह से पाई बॉन्ड बना लेते हैं अबव एंड बिलो। अब यहाँ पे ये नहीं कंसीडर करना कि दो पाई बॉन्ड है, मैं ऑलरेडी पिछले लेक्चर में ये बात क्लियर कर चुका हूँ कि यहाँ ये जो पाई बॉन्ड बना है ये डिफ्यूज होता है, कि सिग्मा बॉन्ड इसके सेंटर में होता है और पाई बॉन्ड इसको अच्छे तरीके से जो है ना मतलब घेरे हुए होता है, तो यूं हम पाई बॉन्ड की पोजीशन को लोकेट नहीं कर पाते, पाई बॉन्ड जो है वो डीलोकलाइज होता है, दैट इज वाई वी शो दिस टाइप ऑफ पिक्चर, हम इस तरह की तस्वीर जाहिर कर देते हैं। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन है ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस शो कर रहा है। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, मजीद ऐसे वीडियोस जो है वो देखने के लिए वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, क्वेश्चन करें, इंशाल्लाह जितने जल्दी हो सका मैं जो है वो आपके क्वेश्चन पर भी जो है वो आपको वीडियो बनाकर आपके क्वेश्चन सवालों के जवाब भी इंशाल्लाह जो है वो आप करेंगे वो मैं कलेक्ट करता जाऊंगा और फिर बाद में आपको जो है उसके आंसर भी वीडियो के थ्रू बता दूंगा। जज़ाकअल्लाह जी, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फी अमानिल्लाह।